चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। जानकारी इस वक्त हमारे पास सामने आ रही है छिंदवाड़ा से, हादसे की खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया है। अमरवाड़ा के सिंगोड़ी चौक पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में युवक चोटिल हुआ, जहां नाराज लोगों ने इस मामले को लेकर आक्रोश जाहिर किया। ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अमरवाड़ा की सिंगोड़ी पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हमारे सहयोगी तौफीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक, ये ट्रक हादसे में ये जघन्य हादसा हुआ, जिसमें ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, किन हालातों में ये घटना हुई? देखिए, अभिषेक, ये छिंदवाड़ा जिले के नरसिंहपुर नेशनल हाईवे मार्ग का मामला है, जहां पर सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ये हादसा हुआ, जिसमें ट्रक ने जो मासूम बच्चा 8 साल का मासूम बच्चा उसे रोन दिया था। घटना के बाद ही बच्चे की मौत हो गई थी। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क टायर जला के चक्का जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर मौजूद है और ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। लगातार आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नेशनल हाईवे में लगातार जो सड़क हादसा है उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हालांकि जो मीटिंग होती है उन्हें सारी तमाम बिंदु पर चर्चा होती है, लेकिन हादसों को रोकने के लिए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि इस नेशनल हाईवे मार्ग में कोई संकेतक बोर्ड नजर नहीं आते, जिसके कारण सबसे ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। जी तौफीक, इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि जो मुख्य नेशनल हाईवे है वो नगर के बीच में से गुजर रहा है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोग हाईवे की इन गाड़ियों की चपेट में आते रहते हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी से कि ये पूरा मामला जो घटनाक्रम अभी जो चक्का जाम किया जा रहा है, ग्रामीण आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की कि यहाँ कोई ऐसा संकेतक बोर्ड लगा दिया जाए, क्योंकि बाईपास ही पूरा मार्ग का मामला है, जहाँ से क्या होता है रोड गांव की ओर जाती है, लेकिन जो तेज रफ्तार वाहन होते हैं कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने सोच संज्ञान पे नहीं लिया, जिसके कारण ही बड़ा हादसा देखने को मिला है और ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो सड़क पर चक्का जाम करके देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक जानकारी के लिए। तो इस हादसे में एक मासूम की जान चली गई है।